गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम जी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज देखिए जी, आज है 21 मई और मौसम जो है ना, फिलहाल ऐसा लग रहा है कुछ कि बारिश होने वाली है शायद। आप लोगों का कैसा है मौसम बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। हमारे तो यहाँ पे हर रोज़ बादल आ रहे हैं ना, और हर रोज़ बादल ऐसे ही जा रहे हैं, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई भी है और खेत जो है ना वो भी बिल्कुल सूखा सूखा हो गया सारा का सारा। तो मैं आई थी यहाँ पर हरा घास काटने के लिए। ये देखिए, मैंने अभी यहाँ पर 2-3 फूले जो है वो काट दी है, कहीं पर भी हरा नहीं है खेतों में। तो अभी जब बारिश होगी ना उसके बाद ही हरा होगा। तो ये यहाँ पे इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो रहता है, नमी रहती है, इसलिए यहाँ पे था। और लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पानी रहता है नीचे बहुत ज़्यादा, तो इसमें ना कीचड़ कीचड़ सा होता है। बड़ी मुश्किल से इसमें घास जो है वो काटना पड़ता है बहुत सावधानी से। तो चलिए मैं और काट लेती हूँ थोड़ा सा, एक पूड़ा काटना है मुझे अभी। और फ्रेंड्स, आजकल ना बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि जेठ का महीना है, आपको पता है। और इसको वो भी बोलते हैं नौतपा बोलते हैं, हमारे तो यहाँ पे मिर्गस्थाई बोलते हैं वैसे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना कि अगर आप धूप में निकलेगा ना बाहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में, तो मतलब लू लग सकती है किसी को इतना ज़्यादा। हमारे वैसे यहाँ लू तो नहीं चलती, गर्म हवाएं तो नहीं चलती, लेकिन धूप इतनी तेज़ होती है कि बर्दाश्त नहीं होता, बाहर धूप में नहीं रह सकते खड़े इस समय के बीच में। बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ख़तरनाक, जानलेवा हो सकता है। तो आप लोग भी घर से बाहर ना निकले 11 से 3 बजे के बीच में। वैसे तो 10 बजे से कहते हैं, लेकिन फिर भी हम खेत में करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, 11 मतलब बज ही जाते हैं थोड़े बहुत ना। फिर 11 बजे से 3 बजे के बीच में बहुत तेज़ धूप होती है, तो ना निकले बाहर, कुछ दिनों की बात है। और जब ये थोड़ी गर्मी निकल जाएगी उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घास जो है वो बांध दिया है, ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे खेत में था ना नेपियर घास जो है ये हरा रहता है, तो ये मैंने यहाँ पे काटा। और घास वगैरह जो है उसको छोड़ने के बाद देखिए मैं पहुंच गई थी गेहूँ के खेत में। हमारे गेहूँ जो है ना वो थोड़ा सा रहता था यहाँ पे देखिए कटाई के लिए, तो जो हमने काटा हुआ था यहाँ पे थोड़ा बहुत, उसको यहाँ से अभी मैं लेके जाऊँगी क्योंकि जहाँ पे इसको हम वो करते हैं ना दाने अलग करते हैं, वहाँ पे वो मशीन जो है चलाई हुई है और भी चीज़ें हैं वहाँ पे गई हुई, जैसे कि जोई जो, तो उसके साथ ही ना ये वाली गेहूँ जो है वो भी हम निकाल लेंगे। मतलब मौसम का कुछ पता नहीं चलता, क्या पता बारिश हो जाए। और ये ब्लॉग जो है ना फ्रेंड्स, ये 7-8 दिन पहले का है, तो उस टाइम वैसे तो गर्मी काफ़ी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अभी मुझे गेहूं जो है ना उसको चक्की के ऊपर लेके जाना है क्योंकि हमारे गेहूं की वहाँ पे बारी आई हुई है, मतलब मशीन जो है चलाई हुई है ना उन्होंने। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची ना उसके बाद फिर से लाई और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ली है, तो ये जो होता है ना थ्रेशर, उससे यहाँ पे ना दानों को अलग किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ बोरी जो है उसमें भर के भी रखी हुई है, जैसे ही वो कनस्तर भर जाता है ना वैसे इधर को डाल देते हैं। और इस बार क्या है ना बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी तो कबाड़ भी कम आया है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको ना लहसुन का वो दिखा रही हूँ, जो ऊपर बीज लगता है ना उसमें ऊपर वाला लहसुन, ये गठिया लहसुन होता है, जैसे गांठ गठिए की प्रॉब्लम के लिए ना इसका सेवन किया जाता है, तेल भी बनाया जाता है इसका। गुड आफ्टरनून होने वाला है, 12 बजने को 5 मिनट रहते हैं। और देखिए अभी मैं आई थी खेत में, मैं आई थी फ्रेंड्स यहाँ पे मेथी लेने के लिए, तो मेथी के साथ साथ यहाँ पे घास भी था तो मैंने घास भी कर लिया। अब मैं हूँ एक और गड़के हैं दो, अब इनको कैसे लगाऊँ देखती हूँ।
धूप इतनी तेज़ है कि क्या ही बताएं आपको, इतना तेज़ धूप है कि बाहर निकलना मुश्किल है। ये देखिए, चलिए घर चलते हैं, जाओ आप तो पार जा रहे हो ना, है ना? ठीक ठीक, वो तो बच्चे लेके आएंगे, अभी 2:15 बजे होती छुट्टी उनको, बस उसके बाद ही आएंगे वो, फिर उनकी पक्की ड्यूटी है जब बच्चे तो अभी आई थी मैं यहाँ पे हमारे महिला मंडल में, दामगढ़ी का महिला मंडल, यहाँ पे थी हमारी मीटिंग, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना किसानों का, यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है, उनकी मीटिंग थी यहाँ पे, और मैं थी। पहले ये कैंसिल हो गई थी, उसके बाद दोबारा से हुई, तो मुझे फ़ोन आया तो मैं फटाफट से दौड़ के आई। वैसे मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, ये देखिए बस यहाँ से यहाँ और इधर से अपने घर सीधे, ये देखो यही नज़दीक में है। लेकिन इतनी तेज़ धूप है ना फ्रेंड्स, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, आना मुश्किल है, निकलना मुश्किल होता है इतनी तेज़ धूप पे। और अभी फाइनली चलते हैं वापस, अभी खाना खाया हुआ है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है ना थोड़ी देर कि हमें अभी रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे दौड़ना पड़ा नीचे। चलिए अभी हम करेंगे रेस्ट और मिलूंगी आपसे शाम के टाइम। तो जैसे ही आई मैं यहाँ पे कौशेड के पास, ये देखिए कि गायें इधर ही चलाक हो जाती है ना, इनको पता मैं इनको घास डाल लेती हूँ, इनको घास नहीं डालना वा। तो सभी लोग ना जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, वो सभी लोग हमसे इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं ना कि उनको पता चल जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ से आ रही थी ना फ़ोन पे वीडियो पे बात करते करते, तो इनको मेरी आवाज़ सुन गई और इन्होंने अंदर से अपना मतलब बुलाना शुरू कर दिया, मुझे रंभाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी देर बाद तो उनको घास डालना ही था, मैंने सोचा अभी डाल देती हूँ, और अब ये भाँ भाँ कर रही है ना तो डाल ही देती हूँ यहाँ पर। और आजकल घास जो है वो ज़्यादातर सूखा ही है, ज़्यादातर मतलब 70% तो हम सूखा ही दे रहे हैं, 30% होता है जो हरा चारा, क्योंकि आजकल हरे चारे की बहुत कमी आ जाती है जब तक कि बारिशें अच्छे से नहीं होती। तो बस यहीं पे यही है कि दिन में इतनी तेज़ धूप पे मैं खेत से आई ना पहले, और उसके बाद मुझे फिर एकदम से फ़ोन आया कि आज मीटिंग है नीचे यहाँ पे महिला मंडल में, तो वहाँ आना पड़ेगा। और फिर मैंने खाना खाया था और मैं सोची थी कि मुझे अब रेस्ट करना है, लेकिन फिर मुझे इतनी तेज़ धूप पे जाना पड़ा नीचे को, भागना पड़ा वहाँ। तो ऐसी ही ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत सभी लोग करते हैं ना, 2 घड़ी सोचते हैं दिन में दूर थोड़ी सी टाइम के लिए कि आराम करेंगे, लेकिन फिर हमें जाना भी पड़ता है, जो जो ज़रूरी काम है उन्हें निकालना भी पड़ता है। और आज ही ना हमारे पड़ोस के गांव में हुई थी एक डेथ, और मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी भैया की, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनको कुछ ना ऐसे हो गया था, मतलब अधरंग टाइप का कुछ हो गया था। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे हेलो बोल रही हूँ। तो फाइनली अपनी प्यारी प्यारी गायों को घास डाल के अभी मैं जा रही हूँ वापस, और धूप इतनी तेज़ है ना फ्रेंड्स की क्या बताएं, और धूप में आके मेरी आंखें नहीं खुलती, बिल्कुल भी नहीं खुलती। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे कौन कौन हैं जिनकी आंखें धूप में आके खुलती नहीं है। और ये देखिए ये है वो मेथी जो कि मैं लेके आई थी नीचे से, ये देखो अब इसको हम साफ़ करेंगे, मेरा मतलब इसको हम झाड़ेंगे और फिर हम इसको साफ़ करेंगे, दाने अलग करेंगे। बहुत सारी मेथी होनी थी, लेकिन आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें बताया ना बहुत सारी मेथी जो है वो पतिदेव ने सारी निकलवा दी थी, क्योंकि उस खेत में ना कुछ और लगाना था और वो निकाल दी थी उन्होंने। और आज मैंने मक्की भी धोई है, ये देखिए, ये देखो मक्की धोई भी है, इसको शाम के टाइम पीसूँगी, मक्की का आटा जो है वो अच्छा हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी आजकल पता क्या है बहुत ज़्यादा सूख जाती है ना मक्कियाँ, तो फिर जो आटा है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। और फ्रेंड्स अभी है शाम का टाइम, यहाँ पे मैं लग गई थी कावशेड का काम करने, मतलब कावशेड का काम तो मैंने कर लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे तूड़ी लगी हूँ डालने गाय को, और मेरे साथ ही मैं हरे घास की सानी भी करी हुई है, तो वो उसको मिक्स करेंगे इसके साथ और फिर देंगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए गाय कैसे देख रही है कि कब हमें देगी ये खाने को, और इनकी आँखें कैसे चमक रही हैं ये देखिए।